सो हेलो गाइज, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत खुश भी होंगे। तो जिसका मुझे इंतजार था वो अभी आ चुका है, जो हेलमेट में जो मोबाइल का माउंट है वो आ चुका है, अमेजन में ऑर्डर किया था। तो अभी हम लोग इसको सेटअप करेंगे अपना हेलमेट में और बाहर थोड़ा जाएंगे, टेस्ट करेंगे थोड़ा कि कैसा सीन आ रहा है, एंगल वगैरह कैसा है, थोड़ा टेस्ट करेंगे और कल से रेगुलर मोटो लेंगे। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो इसके अंदर से ये सारे चीज निकला। ये हेलमेट का चेन स्ट्रैप है और ये गोप्रो स्क्रू और ये मोबाइल क्लिप, सबका क्वालिटी बहुत अच्छा है, इतना खराब भी नहीं है। तो जल्दी जल्दी इसको सेटअप करते हैं और बाहर चलते हैं और इंतजार नहीं हो रहा है। मैं सेटअप कर चुका हूँ इसको और अभी थोड़ा एंगल वगैरह चेकिंग करेंगे और इसका जो साउंड है कैसा है, साउंड आ रहा है, कितना एंगल कैसा रहेगा, थोड़ा पहले चेकिंग करेंगे, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे मोटो ब्लॉगिंग। और मैं अभी घर से आ रहा था, सोच रहा था कि घर से थोड़ा चेक कर लूँ, लेकिन मुझे थोड़ा शर्म लगा कि घर के पास जो लोग है, हमारे मोहल्ले के लोग क्या सोचेंगे, बोलेंगे नमूना जा रहा है देखो हेलमेट में मोबाइल लगा के। तो इसकी वजह से मैं आज थोड़ा पहला दिन है, इसीलिए मैं यहाँ पर थोड़ा टेस्ट कर लूँगा और अगर सही रहा सब कुछ तो कल से मैं निकलने के टाइम घर पर ही स्टार्ट कर दूँगा मोटो ब्लॉगिंग। ठीक है, तो दोस्तों अभी शुरू करेंगे, थोड़ा टेस्ट कर लेते हैं एंगल वगैरह सही है कि नहीं अभी और साउंड वगैरह कैसा है। तो थोड़ा चल के देखते हैं साउंड कैसा है, गाड़ी का साउंड और हवा तेज़ हो रहा है कि नहीं, ये सब थोड़ा चेक कर लेते हैं और अगर सही रहा सब कुछ तो कल से स्टार्ट हो जाएगा मोटो ब्लॉगिंग। ठीक है, अभी थोड़ा चलते हैं, साउंड वगैरह कैसा है पहले थोड़ा चेक कर लेते हैं, हवा का साउंड और गाड़ी का साउंड कैसे आ रहा है, और थोड़ा लोगों से भी शर्म आता है तो थोड़ा सब कुछ आज ही मिटा देंगे सब कुछ। तो लोग मुझे देख रहे कौन नमूना जा रहा है इधर से ऐसा मोबाइल पकड़ के, तो लोग मुझे देख रहे कि ये नमूना कौन जा रहा है मोबाइल हेलमेट में मोबाइल लगा के, क्योंकि हमारा यहाँ पे इधर कोई ब्लॉग नहीं बना था। तो सब लोग देख रहे होंगे, नया नया पहली बार देख रहे होंगे बहुत सारे लोग कि मोबाइल हेलमेट में लगा के गाड़ी चला रहा है। शर्म को पहले मिटाना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोग ब्लॉग बना सकते हैं। तो देखते हैं कैसा सीन आता है और क्या कुछ होता है। तो दोस्तों ये मेरा पहला मोटो ब्लॉग है और आप लोग देख रहे होंगे नज़ारा कैसा है और साउंड का क्वालिटी क्या है, बाद में पता चल जाएगा जब एडिट करने के लिए निकलूँगा। दोस्तों आप कमेंट करके नीचे बताना कि साउंड वगैरह सही है कि नहीं है, और अगर साउंड नहीं सही नहीं है तो फिर माइक चेंज करना पड़ेगा। अभी व्यू भी तो मुझे पता नहीं चल रहा व्यू कैसे आ रहा है, अभी जब मैं घर जाऊँगा तब मुझे पता चलेगा कि एंगल वगैरह सही है कि नहीं है। तो यहाँ पे सारे गाय रोड के ऊपर है, ठीक है, तो एक्सीडेंट का चांस बहुत है अगर गाय रोड के ऊपर घूम रहे। तो फिलहाल गाड़ी थोड़ा स्लो कर लेते हैं, पता नहीं कौन सा गाय कब आ जाए गाड़ी के सामने, तो थोड़ा गाड़ी स्लो करके हॉर्न देते हैं इन लोगों को। तो दोस्तों देख सकते हो कितना सारा पानी है यहाँ पर खेत में, तो इसका कारण यही है कि छत्तीसगढ़ में जो बाढ़ का पानी था वो यहाँ तक आ गया। आप लोग सोच सकते हो कितना दूर है छत्तीसगढ़ यहाँ से, लगभग 400 या 500 किलोमीटर होगा छत्तीसगढ़, और उसका बाढ़ का पानी यहाँ तक आ गया। ये हमारा जो पूरी है तो वो समंदर के किनारे है और सारे नदी यहाँ पे आके मिलते हैं समंदर में, तो इसी की वजह से जो छत्तीसगढ़ का बाढ़ का पानी था यहाँ तक आ गया। तो दोस्तों ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है ये वीवो V20 प्रो मोबाइल में रिकॉर्डिंग हो रहा है और इसका पिक्चर क्वालिटी बहुत सही है। तो दोस्तों अभी थोड़ा बाइक रोक के चेकिंग कर लेते हैं कि पिक्चर क्वालिटी वगैरह कैसा है, और थोड़ा बाइक रोक लेते हैं और चेकिंग कर लेता हूँ, अगर ख़राब होगा तो सारा मेहनत बर्बाद हो जाएगा। तो पहले थोड़ा चेक कर लेता हूँ कि मोबाइल में रिकॉर्डिंग कैसा है। ठीक है, तो दोस्तों फिलहाल मैं अभी घर पहुँच चुका हूँ और आप लोग अभी जो वीडियो देखे वो मेरा पहला रिकॉर्डिंग था, और बीच रास्ते में थोड़ी देर के लिए रुका था, वीडियो चेक कर रहा था साउंड वगैरह और एंगल वगैरह ठीक है कि नहीं। और जब दूसरी बार मैंने वीडियो स्टार्ट किया रिकॉर्डिंग तो उसमें साउंड बहुत तेज़ आ रहा था, हवा का साउंड और गाड़ी का साउंड, हॉर्न का साउंड बहुत तेज़ आ रहा था, जो लोग आप सुन नहीं सकते इतना तेज़ आ रहा था। गलती कहाँ पे भी मुझे मालूम नहीं, सब कुछ तो सही था, लेकिन अभी थोड़ा चेक कर लेंगे कहाँ पे गलती हुआ है और माइक को अच्छी तरह से फिट कर लेंगे थोड़ा। और ये वाला जो माउंट है इसको भी थोड़ा एंगल सही करना पड़ेगा, क्योंकि मोबाइल का एंगल थोड़ा राइट साइड डाउन जा रहा है, और इसको भी थोड़ा मॉडिफाई कर देंगे। और अगर आप लोग को वो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नए हो तो, और मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।